प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की, हालेलुया। मेरे अजीज़ एक बार फिर से आपके सम्मुख, जैसा आपको बोला था, अब से जो प्रार्थना दोनों चलन पे होगी वो ज़्यादा सामर्थ्य होगी, अद्भुत होगी और परमेश्वर के प्रकाशन में ज़्यादा होगी, वचन में ज़्यादा होगी, क्योंकि आप परमेश्वर के और करीब आओगे, वचन में मजबूत होंगे, यीशु के सामर्थ्य नाम है। हर एक प्रार्थना देखना जरूरी है, हर एक भविष्यवाणी को रिसीव करना जरूरी है, हर एक संकट की भविष्यवाणी के लिए प्रार्थना करना जरूरी है कि प्रभु दया करे। और आज का जो वचन है वो है, हमारा परमेश्वर जीवित है। अगर आपको यकीन है कि आपका परमेश्वर जीवित है, मुझे विश्वास है मेरा परमेश्वर जीवित है, हमें छुड़ाएगा, तो अगर आपको विश्वास है आप इस संदेश से बने रहे, इस प्रार्थना को रिसीव करें, यकीन मानना आज छुड़ाने वाला परमेश्वर आपको है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता इस वचन प्रार्थना के द्वारा, तूने मेरा अभिषेक करा, आत्मा को भेजा, पवित्र आत्मा को भेजा, तेरा धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ आज प्रभु ने जो वचन दिया है वो ये है, अगर हमें निश्चित है, अब हमें विश्वास है, दृढ़ विश्वास है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आज हो सकता है कि आपके भाई, आपके पति, आपकी पत्नी, आपके घर वाले कहीं ना कहीं पाप में हो, कहीं ना कहीं बुरी आदत में हो, कहीं ना कहीं शैतान में हो, कहीं ना कहीं कर्ज में हो, कहीं ना कहीं ऐसे रिश्ते में हो जो आप आज़ाद नहीं हो पा रहे हो, तो ये वचन आपके लिए। बहुत आपने प्रार्थना देखी, हर एक प्रार्थना रिसीव करते हो, फिर भी आप निराश हो, फिर भी आप कर्जे में हो, फिर भी आप परेशान हो, सोच रहे हो कि अब कैसे निकलेंगे, लेकिन अगर आपको ये विश्वास है और विश्वास अटल है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, प्रभु के दास पर नहीं परमेश्वर विश्वास है, तो आप जीतोगे, शैतान हारेगा, यीशु मसीह के नाम में। बस आपको विश्वास होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर जीवित है। अगर आपका विश्वास है तो बोले आमीन। आइए वचन में जाएंगे, एक ही वचन पढ़ेंगे, और जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया यानी कि परमेश्वर की ओर से मुझे मिला वह है अय्यूब 19 उसका 25वां वचन। अय्यूब 19 और उसका 25वां वचन क्या लिखा है, आइए पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं वचन के द्वारा हमारे अगुवाई करना, वचन के द्वारा आज सबको जिंदा करना, और आज इनकी उम्मीदों पे पिता तो आज इनकी उम्मीदों को पूरा करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अय्यूब 19 का 25 में लिखा है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मुझे तो निश्चय, अय्यूब कह रहा है। और जबकि हम जानते हैं अय्यूब का सब कुछ खत्म हो चुका था, वो फिनिश हो चुका था, यानी कि उसका, उसके बच्चे, उसके जायदाद, उसके सब कुछ खत्म हो गया, जानते हैं कि उसका शरीर भी खत्म होने वाला था, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि मुझे तो निश्चित है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अय्यूब ने कोई गुनाह नहीं किया था, फिर भी उस पर परीक्षा आई। हम और आप तो फिर भी गलतियाँ करते रहते हैं, हम आप तो फिर भी अभी गुनाह से होकर आए, प्रभु ने हमें माफ़ किया है। हम बड़ी जल्दी डर जाते हैं, बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं, बड़ी जल्दी प्रभु को छोड़ने का वायदा करते हैं, बड़ी जल्दी हम बड़बड़ करने लगते हैं, लेकिन नहीं, अय्यूब ने अपने मुँह से भी पाप नहीं किया था, बल्कि ये कह रहा है मुझे तो निश्चय, यानी कि निश्चय का मतलब मैं 100% हूँ कि मुझे छुड़ाने वाला जीवित है, परमेश्वर जीवित है। मेरे अजीज़ तो परमेश्वर जीवित है हमारा, ये बात दोहराई की नहीं, ये बात कोई झूठी नहीं है, ये बात सत्य है, और ऐसे हमें विश्वास करना चाहिए। अगर आप विश्वास करते हो तो आपको छुड़ाने वाला जीवित है, तो आप किसी भी पाप में हो, किसी भी कर्जे में हो, किसी भी अंधकार में हो, किसी हाथ तक कि पताल में भी होंगे, तो प्रभु आपको वहाँ से भी उठा के खड़ा कर देगा। कोई रस्सी आपको नहीं बांध सकती, कोई शराब आपको नहीं बांध सकता, कोई जादू आपको बांध नहीं सकता, क्योंकि आपका छुड़ाने वाला सामर्थ्य है, वो जीवित है मेरे अजीज़ों, यीशु के सामर्थ्य में हमें ये प्रचार कर रहा हूँ, और बहुतों का जीवन बदल रहा है यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। लिखा है अय्यूब कहता है मुझे तो निश्चित है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा करेगा, और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, हालेलुया। मेरा परमेश्वर हमारे जीवन में खड़ा होने वाला परमेश्वर है, यानी कि अंत का मतलब जब हमारे जीवन में लगे हम अंत होने वाला है, उसी टाइम परमेश्वर हमारे जीवन में खड़ा होगा। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आपको ये बताना चाहता है कि बेटा चिंता मत कर, मैं जीवित हूँ, अब मेरे पावर पे कभी शक मत करना, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है। और आज उछाने वाला जो हमारा जीवित है, उसके नाम से मैं आपके पास आता हूँ, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, कि आप छुड़ाए जाओगे आज, और 100% छुड़ाए जाओगे यीशु मसीह के नाम से, रिसीव करें। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं होली स्पिरिट, आज इस वचन के द्वारा जितने भाई बहन सुनेंगे पिता, आज वो छुड़ाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आप जीवित हो पिता, और आप जीवित हो हम भी जीवित रहेंगे पिता। आज वरदानों से भर दे पिता, आज इनकी प्रार्थना का जवाब दे दे, आज इनको छुड़ा ले इन पापों से, अधर्म से, गुनाह से, इन बीमारियों से, इन शैतानी ताकतों से, इन कर्ज से, इन निराशा से, डिप्रेशन से, सुसाइड पॉइंट से, इनको छुड़ा ले पिता, छुड़ा ले यीशु राजा, क्योंकि आप जीवित हैं पिता। और जो विश्वास से ऐलान कर रहे हैं मेरे साथ प्रार्थना करें मिलकर, ये प्रार्थना का जवाब आप इनकी लाइफ में दे रहे हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। पिता आपने इनको छुड़ाया है, मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि हमारा छुड़ाना जीवित है, और वो सामर्थ्य है, कोई बंधन, कोई शराब, कोई अंधकार, कोई पाप, कोई हमें बांध नहीं सकता, कोई ऐसी रस्सी नहीं, कोई ऐसी बेड़ी नहीं जो हमें बांध के दिखा दे कि हमारा छुड़ाने वाला जीवित है, वैसे बंधन को तोड़ देगा। मैं विश्वास करता हूँ कि आप छुड़ाए गए हो, मैं विश्वास करता हूँ कि सारे बंधन तोड़े
गए, मैं विश्वास करता हूँ कि हमारा परमेश्वर जीवित है और हमारी प्रार्थना का वो जवाब दे रहा है। यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। विश्वास है तो गवाही दोगे, यीशु के सामर्थ्य नाम है, बोला आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह के। टाइप करना कि मेरा परमेश्वर जीवित है, वो हमें छुड़ाएगा। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की।